हाँ लंबी है ना थोड़ी यार, इसमें स्पेस भी ज़्यादा है, बहुत इजी है साला, यही लेके टूर करो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द केएससी व्लॉग्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं ये दो स्कूटर लेके आया हूँ जो कि दोनों BS6 है। बहुत लोगों ने पूछा था मेरे से कि BS6 ही करिए, तो यहाँ पे मेरे पास है एंटॉर्क BS6 और यहाँ पे है बर्गमैन BS6, जिसका जो प्राइस है 1,05,000 का है और इसका जो आपका पड़ता है 98,000 का, तो प्राइस में भी बहुत ज़्यादा अंतर है। हालांकि मैंने जो BS4 चलाई थी एंटॉर्क की, वो बहुत तेज़ थी एंड बर्गमैन उतनी तेज़ नहीं है, बट देखते हैं आज BS6 है हमारे पास दोनों, इन दोनों का परफॉर्मेंस क्या होता है, देखते हैं कौन जीतती है कौन हारती है, किसका टॉप एंड ज़्यादा है, किसका इनिशियल अच्छा है, ये हम इस वीडियो में पूरा चेक कर लेंगे और आपको बताएंगे। और देखिए मज़े करिए। दोनों BS6 हैं, पहले ही मैं बता दूँ, बाद में मत बोलिएगा कि BS6 से करो इससे करो, तो दोनों BS6 स्कूटर्स हैं। आप देख सकते हो दोनों डिस्क ब्रेक वाली हैं, बाकी चल के देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी जा रही है दोनों की। थोड़ा सा आगे निकला, बर्गमैन का इनिशियल अच्छा है लग रहा है। अरे धीरे चल लो, मेरा वेट ज्यादा है ये भी ध्यान दीजिएगा। एंटॉर्क पीछे 93, बर्गमैन स्पीड में निकली भाई। एरोडायनामिक का इस्तेमाल करके निकल गए, भी निकल गए। बराबर चल रहे हैं भैया, ये बगल में है, ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाए हैं, बहुत ही पास में थे ये, और रोक लेते हैं। फाइनली मैं निकल ही गया हूँ एक तरीके से, हेड टू हेड भाई, हेड टू हेड। ब्रेकिंग बहुत बढ़िया कर दी यार एंटॉर्क की, बहुत बढ़िया ब्रेकिंग हो गई है, नाइस, बहुत ही बढ़िया, मतलब एंटॉर्क के तो क्या कहने, पहली जैसी। और इसके जो ब्रेक है ना, उसको और ज़्यादा पंची कर दिया है। अब राइडर चेंज करते हैं, राइडर हम लोग इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि दोनों का जो वेट है ना वो डिफरेंट है, और स्कूटर में यहाँ पे कोई लॉन्च वाला दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, गेयर नहीं लगाने होता है, यहाँ पे हमको सीधे सिर्फ एक्सेलेटर खींचना होता है और उससे पता चल जाता है। तो चलिए हम लोग राइडर चेंज कर लिए हैं और मैं अब चलाने जा रहा हूँ सुजुकी बर्गमैन, एंड सूरज चलाएगा एंटॉर्क 125। परफॉर्मेंस में दोनों बढ़िया, और ये ब्लूटूथ वाला वर्जन है जिसमें आप ब्लूटूथ से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो अब चलते हैं और भगाते हैं इसको। बिल्कुल असर आएगा, देख लीजिए, मैं शुरुआत में ये देखिए बर्गमैन पीछे हो जाती है। अब सूरज बहुत तेज़ी से निकल गया, ये देख लीजिए, ये होता है वेट का अंतर। सूरज का वेट है 75, मेरा है इस समय 90, तो वेट का बहुत फ़र्क पड़ता है। सूरज झुकूंगा तभी आगे निकलूंगा। ये क्या कर रहा है, ये समुराई बना हुआ है। अच्छा बेटा, बर्गमैन बढ़िया है, पंच भी बढ़िया कर दिया है, बर्गमैन का स्पीड भी कर दिया है। बर्गमैन निकल गई।
क्या बात है यार, कुंदन भाई जीत रहे हैं, मैं हार रहा हूँ। वर्कमैन ने मतलब कमाल ही कर दिया यार। वर्कमैन का भी ब्रेक बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया पंच। क्या बात है यार, अब तुम जीत गए। अरे यार पता नहीं ये मुझे समझ में नहीं आया, हुआ क्या दिन तो भाई तुम्हारे रहता है, हर समय सबका दिन रहता है। सो गाइज यहाँ पे वर्कमैन जीत गई है और एंटॉर्क पीछे रह गई है। हो सकता है यहाँ पे क्या, यहाँ पे विंड ड्रैग का थोड़ा रीज़न हो। वेट तो मेरा ज़्यादा है, मुझे पीछे रहना चाहिए था, बट मैं पता नहीं कैसे आगे रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है इस साइड से विंड ड्रैग ज़्यादा है और इसका जो एरोडायनेमिक है ना ज़्यादा है, क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा टक हो सकता हूँ, मैं ज़्यादा ऐसे झुक सकता हूँ, इसमें नहीं झुक सकता। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से उस साइड से फिर से सूरज यही चलाएगा, मैं ही चलाऊँगा, एंड फिर देखेंगे कि क्या रीज़न है, यही रीज़न है कि कुछ और रीज़न है, चलिए देखते हैं। तो बने रहिए आप लोग को पूरा, मतलब हम दिखाएंगे कि हाँ भैया ये गाड़ी तेज़ है, ये गाड़ी इस वजह से धीरे है, और यहाँ पे वेट का इशू भी है क्योंकि वेट मेरा ज़्यादा है सूरज से। तो चलिए फिर से करते हैं, विंड ड्रैग का पता करते हैं, क्या विंड ड्रैग है इस साइड से। इस बार नहीं निकलने देंगे हम तुम्हें। हाँ इस बार नहीं निकलते, इस बार नहीं निकलने दोगे, ठीक है। इस बार सूरज लेट गए हैं, विंड ड्रैग है उस तरफ से ज्यादा। यस यस वर्कमैन क्या सच में फास्ट है? यस। तो चार पहुंच गई है, बहुत ज्यादा मेरे को झुकना पड़ रहा है, मेरी गर्दन और मेरी पीठ बोल गई। तो भाई आज अपना दिन नहीं है, आज हमें लग रहा है हम हार जाएंगे, हार गए, देखिए वर्कमैन जीत गया है। तो वर्कमैन इज विनर, तीन बार करके देख लिया। वर्कमैन विनर। आई थिंक यहाँ पे बर्गमैन ज़्यादा फास्ट है, हल्की सी, बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं लेकिन हल्की सी ज़्यादा फास्ट है बर्गमैन। ये क्या हुआ, ये रुक क्यों गया? हमको लगा पीछे आ रहा होगा, ये तो रुक ही गया, क्यों रुका नहीं पता मुझे। तो बर्गमैन का तेज है स्पीड, एंड अगर फिर से करना होगा फिर से किया जाएगा। क्या हुआ, तो रोक दिए थे तुम यहाँ तक, ये उस पीले के पास था। अच्छा उसके बाद हमको लगा आगे आ रहे होगे, जब ज़्यादा निकल गया तो रोक लिया हमने। तो भाई आगे और चली गई थी क्या? हाँ ज़्यादा आगे चली गई थी, 103 पे थी, 104 तक गई लेकिन तब भी वो निकल गई। ये 101 की थी, स्पीडोमीटर एरर है ना। तो भाई देखिए वर्कमैन है यहाँ पे सीधे सीधे विनर, हालांकि एंटॉर्क पहले जीत जाती थी लेकिन BS6 में इसकी पावर कम हुई है, लेकिन इसकी बढ़ गई जैसे लग रहा है, इसका इनिशियल ज़्यादा तेज हो गया है। तो भाई देख लीजिए ये है मतलब रिजल्ट। और ये वीडियो आप लोग कैसा लगा, थोड़ा लंबा हुआ क्योंकि हम चाहते थे कि दोनों तरफ से देखें ड्रैग व्रैग, पहचाने कैसा ड्रैग आ रहा है। तो हालांकि पावर मुझे इसमें ज़्यादा लग रही है क्योंकि इसका पंच भी ज़्यादा है, पहले से बहुत कम कर दिया है पावर एंटॉर का। तो अब मैं यही बोलूँगा TVS वालों को, क्यों किया ऐसा, क्यों किया। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन राइड सेफ, स्टे सेफ, हेलमेट हमेशा पहन के राइड करिए, और मेरा नया चैनल जाके सब्सक्राइब करिए, उसमें बहुत जल्दी मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ और एक नया टूर होने वाला है अपना। तो चलते हैं फिर, बाय बाय।